क्या होगा एक तो दूसरे देश से आया एक्सरसाइज करने के लिए यहाँ पे नेपाल से इंडिया में आया भैया एक्सरसाइज करने के लिए फिर... और लाइट जा रखी है देखो जय श्री राम दो। हेलो गाइज गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। सुबह के 6:15 बज चुके हैं और अपन चल रहे हैं जिम और हाथ में देखो क्या है, ये देख रहे हो पेट्रोल। ये क्यों है हमारे पास, जिन्होंने लास्ट वीडियो देखा होगा उन्हें पता होगा क्या सीन हो गया था अपने साथ, इसलिए हमें पेट्रोल साथ लेके जाना पड़ रहा है। सारी कहानी बताई थी हमने लास्ट वीडियो में। भाई तोता कितने सारे बैठे हुए, इधर यहाँ रखते हैं इसे और डालते हैं अपनी बाइक में पेट्रोल। चलिए अब चलते हैं, बाइक की पेट पूजा तो हो गई। देख रहे हो 1 लीटर तेल डालने के बाद तो उसमें कुछ भी नहीं आया, फ्यूल जीरो। टिप 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 जिम पहुंचते ही सबसे पहले अपना एक स्कूप प्रोटीन। तो गाइस पीटी वीटी दे दा के बस अभी फ्री हुआ हूँ, अभी निकलते हैं सीधे घर, डाइट वाइट पैक करके फिर वापस आना है नहा धो के। और आज मैंने कार्डियो नहीं किया मॉर्निंग में क्योंकि मेरे को जरूरी काम है, थोड़ा सा जल्दी निकलना है। कल से कार्डियो का टाइम ना थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा, देखते हैं कल की, कल पता चलेगा। बाकी लास्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि मैं चप्पल में वर्कआउट कर रहा था, मतलब चप्पल भी नहीं थी, नंगे पैर कर रहा था। तो मैं बताता हूँ क्या हुआ, ये चेक करें, मेरा ये वाला नाखून पता नहीं कैसे निकल गया, जिस वजह से मैं जूते नहीं पहन पा रहा हूँ। तो इसलिए मैं चप्पल में ही जिम आया और चप्पल में ही शाम को मैंने वर्कआउट किया। तो अभी फटाफट से निकलते हैं घर के लिए। बाकी ये चेक करें आप, सारे के सारे टिफिन ना यहाँ दुकान में लाके इकट्ठे कर दिए थे मैंने, अब सारे लेके जा रहा हूँ, अब फिर से डाइट पैक करके लेके आनी है। इन्हीं 350 का डाल दो, 350। घर पहुंचते ही सबसे पहले अपना ब्रेकफास्ट बनाने रख दिया है, ये ओट्स के लिए पानी गर्म किया था, इसी में सोया चंक्स डाल दिए और 2 स्कूप इसमें डाल देते हैं ओट्स। A few moments later. So guys, अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट हो गया है और अपनी लंच की तैयारी भी हो गई है, ये पैक करके हमें लेके जाना है अपने सप्लीमेंट स्टोर। इधर अपना सैलेड, प्याज और खीरा, चावल, दाल, तो फटाफट से पैक कर लेते हैं। So guys, नहा के हो गया हूँ रेडी, होने 1 बजने वाला है, आज थोड़ा सा लेट हो गया शॉप पे जाने के लिए, बट डाइट वाइट कम्प्लीट हो गई है और हमने पैक कर लिया इसके अंदर। और आज घर में कोई नहीं है क्योंकि साहिल तो अपनी जॉब पे जाता ही है और मुकुल का भी आज पहला दिन था जॉब का। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मुकुल की जॉब लगी है, तो आज 10 तारीख है उसका पहला दिन था, तो वो भी अपनी जॉब पे गया है, वरना वैसे मेरे साथ डेली शॉप पे जाता था 12 बजे, बट आज से हम अकेले ही जाएंगे। तो अभी चलते हैं फटाफट से, बाकी अपनी पानी की बोतल ले लेते हैं। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, आजकल दिन में कितना पानी पीना है मैनेज करने के लिए मैं 2-2 लीटर की बोतलें यूज कर रहा हूँ, नहीं देखा तो देख लेना। तो निकलते हैं फटाफट से। 2000 years later. चलो बस चलो। So guys, 2 एक्सरसाइज फिनिश हो गई, बट अभी तक मैंने बीसी रोले मिक्स नहीं किया, मतलब दिमाग में नहीं रहा, इतना बिजी हो गया था। तो अभी फटाफट से बीसी रोले मिक्स कर लेते हैं अपना। इसमें डाल दो, इसमें डाल दो। इसमें क्या डाल भाई, यही तो करामात है भाई, यही तो हम डाल के दिखाएंगे तुम्हें। अरे कोई बात नहीं, हम भी कर देंगे यार। शेकर की किल्लत हो गई, देख रहे हो बोतल में जुगाड़ से बीसी डॉलर डालना पड़ रहा है। डाल दो तुम, इकट्ठा डाल दो, फैलेगा नहीं। अरे अंदर चला जाता है अच्छे से, ये देखो चले गया, बस बस 1 ही चम्मच बहुत है। बहुत बढ़िया, कौन सा लगा
गाइस बाहर हो रही है बारिश, अंदर चल रहा है वर्कआउट तंगड़ा वाला, और लाइट जा रखी है। इन्वर्टर से ना कम लाइट चला के काम चला रहे हम, और 10 बज गए हैं। तंगड़ी बारिश में कैसे घर जाएंगे, इससे अच्छा गाड़ी बनेंगे रात में आराम से 11 बजे तक, जब तक तो बंद हो ही जाएगी बारिश। चलो चलो, एक जय श्री राम, दो तीन हवान, चार साढ़े चार, पांच। ओ भाई क्या हो गया, खत्म हो गई सकती है भयंकर। ऐसे एक्सरसाइज तो जिंदगी में पहली बार हो रही है भाई। देखो जूते कहाँ पड़े हुए, हम कहाँ बैठे हुए, ये बंदा हमारा ये लगा हुआ है। हाँ है, मतलब आज तो लगी मजा आ रहा है, एक्सरसाइज कर ले भाई। स्नैपचैट पे वीडियो बना रहा सबकी, बस वरना बॉडी नहीं बनेगी बेटा। एक तो दूसरे देश से आया एक्सरसाइज करने के लिए यहाँ पे, नेपाल से इंडिया में आया भैया एक्सरसाइज करने के लिए, फिर भी बॉडी ना बने तो क्या फायदा। चलो चलो चलो, सो गाइस बाहर बारिश हो रही है बहुत ही तंगड़ी, और हमारी दो एक्सरसाइज बची हुई है अभी। मैं भयंकर भीग के कैसे जाऊंगा यार आज, भीग के जाना पड़ेगा आज तो यार, भीग के जाऊंगा तो पक्का बीमार हो जाऊंगा, इतनी तंगड़ी एक्सरसाइज मार के भीगना नहीं है यार। जिम में सो जाऊं क्या आज, बात तो सही है। सो गाइस वर्कआउट हो गया डन, अभी प्रोटीन पीते हैं फटाफट से। बाहर बारिश हो रही है और फुल पसीना आ रखा है, भीगते हुए तो नहीं जाऊंगा, वेट कर लूंगा आधा घंटा और, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बारिश बंद हो जाएगी तभी जाऊंगा। सो गाइस बस अभी अभी घर पहुंचा हूं, 11:30 बज चुके हैं, भीगते हुए आया था तो बस अभी नहा के सीधे बस रेडी हो गया हूं, डिनर करते हैं फटाफट से और सोते हैं। बारिश बहुत तेज है, मतलब रोड पे ना पूरा भरा पड़ा था। सो आज की वीडियो को यहीं पे फिनिश करते हैं। आज वर्कआउट में बहुत इन्जॉय किया, बहुत मज़ा आया। आप लोग ये वर्कआउट फॉलो करना, काफ़ी अच्छा वर्कआउट है, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लो। मिलते हैं बहुत ही जल्दी एक नए वीडियो के साथ।